हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आई होप कि सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास फिफ्थ के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के वीक नंबर एट की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे जो कि नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा दी गई है बच्चों आपकी इस वर्कशीट का टॉपिक है टू नो द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ वेरियस फिगर्स बाय स्क्वायर ग्रिड तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं क्वेश्चन वन है आंसर द फॉलोइंग द्वेश्चन विद रेफरेंस टू द रेक्टेंगुलर ग्रिड बच्चों यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन के आंसर देने हैं क्वेश्चन इज वॉट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्राइंगल इन द फिगर बच्चों इस फिगर में जो ट्राइंगल है उन दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या है तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस रेक्टेंगल में टू ट्राइंगल हैं इनका हमें एरिया बताना है तो किसी भी शेप के एरिया को जानने के लिए हम उसके जो स्क्वायर्स हैं उन्हें काउंट करते हैं तो स्क्वायर के द्वारा हम एरिया को फाइंड आउट करते हैं तो बच्चों आपकी मैथ की बुक के अकॉर्डिंग यदि वर्क कंप्लीट है तो उसे हम वन में काउंट करते हैं यदि हाफ है तो उसे हाफ में काउंट करते हैं यदि मोर देन हाफ इट मीन्स हाफ से ज़्यादा है तब भी उसे हम वन में काउंट करते हैं और यदि वह लेस देन हाफ यदि आधे से कम है तो उसे हम नहीं गिनते हैं तो यहाँ पर काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन हाफ एंड हाफ वन इट मीन्स टेन तो बच्चों इसमें कितने स्क्वायर्स हैं टेन अब देखते हैं दूसरे ट्राइंगल में कितने वर्ग हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन हाफ एंड हाफ़ वन इट मीन्स टेन तो दोनों जो ट्राइंगल हैं इनका एरिया है टेन स्क्वायर्स यूनिट्स नेक्स्ट इज इज द एरिया ऑफ द टू ट्राइंगल्स इक्वल क्या दोनों ट्राइंगल्स का एरिया बराबर है तो बच्चों हाँ इट मीन यस अब है बच्चों बी नंबर की आकृति वॉट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द रेक्टेंगल इन द फिगर बच्चों इसमें टू रेक्टेंगल्स हैं इन दोनों का हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो बच्चों एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है क्या करना है स्क्वायर्स को काउंट करना है तो देखते हैं कितने कितने स्क्वायर हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इसमें है टेन स्क्वायर्स अब देखते हैं दूसरे रेक्टेंगल में कितने हैं स्क्वायर हैंट नाइन टेन इट मींस जो दोनों रेक्टेंगल हैं इसमें कितने स्क्वायर्स हैं टेन है इट मीन्स दोनों रेक्टेंगल का एरिया है टेन स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया ऑफ द टू रेक्टेंगल्स इक्वल क्या दोनों रेक्टेंगल का एरिया इक्वल है बराबर है आंसर इज यस हाँ अब है बच्चों सी क्वेश्चन है व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द ग्रिड बच्चों यहाँ पर इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है ये फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हमें स्क्वायर्स को काउंट करना है कितने स्क्वायर्स हैं इसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो इसका एरिया है एट स्क्वायर यूनिट्स अब क्वेश्चन है व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्राइंगल बच्चों यहाँ पर ये ट्राइंगल हैं दो तो इन दोनों ही ट्राइंगल का हमें एरिया बताना है तो इसके लिए हमें इनके स्क्वायर्स को काउंट करना है तो काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव हाफ एंड हाफ वन इट मीन्स सिक्स बच्चों इस ट्राइंगल का एरिया है सिक्स स्क्वायर यूनिट्स अब देखते हैं दूसरे का कितना है वन टू थ्री फोर फाइव हाफ एंड हाफ वन इट मीन्स इसका भी कितना है एरिया सिक्स स्क्वायर यूनिट्स इट मीन्स जो दोनों ट्राइंगल्स हैं दोनों का एरिया है सिक्स स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स इक्वल क्या दोनों ट्राइंगल्स का एरिया बराबर है तो बच्चों आंसर है येस yes, हाँ अब है क्वेश्चन नंबर टू एज द पैरामीटर ऑफ अ फिगर इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री जैसा कि किसी भी फिगर का पैरामीटर इसकी बाउंड्री की लेंथ होता है फाइंड द पैरामीटर ऑफ द गिवन फिगर दी गई फिगर का पैरामीटर फाइंड आउट करिए तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं ये फिगर है इसकी जो ब्रेथ है ये है फाइव सेंटीमीटर और जो लेंथ है वो है फोर सेंटीमीटर इट मीन्स ये जो लेंथ है फोर सेंटीमीटर है तो इधर भी फोर सेंटीमीटर है ये ब्रेथ नीचे फाइव सेंटीमीटर है तो यहाँ भी फाइव सेंटीमीटर है तो बच्चों अब हम इसे प्लस कर देंगे फाइव एंड फाइव टेन फोर एंड फोर एट तो टेन में हम एट को प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 18, it means इस गए जो फिगर है इसका पैरामीटर कितना है बच्चों बच्चों यहाँ पर दी गई ग्रिड में आप फाइव स्क्वेयर्स का यूज करते हुए जितनी चाहे आप उतनी फिगर बना सकते हैं एंड आंसर द फॉलो और दिए गए आंसर और दिए गए क्वेश्चन के आंसर देने हैं थ्री फिगर्स है तीन फिगर्स को बनाया गया है तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तीन फिगर है जो कि बना कर दी गई हैं क्वेश्चन है टोटल फिगर्स ऑफ फाइव स्क्वायर्स दैट यू कैन मेक तो बच्चों यहाँ पर आप इस तरीके से और फिगर बना सकते हैं जैसे कि ये बनाई गई है एक ये फिगर है बच्चों फाइव स्क्वास की एक ये है सेकेंड थर्ड बच्चों ये है फाइव स्क्वायर्स की फोर्थ फिगर बच्चों यहाँ पर है और ये है फिफ्थ फिगर इट मीन्स ये फाइव फिगर बनाई गई हैं तो बच्चों आप भी इसी तरीके से फाइव स्क्वेयर्स का यूज़ करके अन्य फिगर बना सकते हैं और जितनी फिगर आप यहाँ पर बनाएंगे उतने ही बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर में आप लिखेंगे जैसे कि इसमें एट फिगर हैं आप तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एट नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरामीटर ऑफ ईच फिगर मेड विद फाइव स्क्वायर बच्चों प्रत्येक फिगर का पैरामीटर बताना है जो कि फाइव स्क्वायर से बनी हुई है तो बच्चे यहां पर देखते हैं इस फिगर का पैरामीटर वन टू थ्री फोर फाइव इट मींस यहां पर फाइव है 1, 2, 3, 4, 5. 5 बच्चे ऊपर की तरफ है फाइव और फाइव कितने हुए टेन वन यहां है और वन यहां तो टू और प्लस कर लेंगे तो कितना हो गया ट्वेल्व अब देखते हैं अगली फिगर का वन टू थ्री फोर फाइव वन एट नाइन टेन वन बच्चे यहाँ हो गया और वन यहाँ हो गया तो कितना होगा ट्वेल्व अब बच्चे देखते हैं अगली फिगर का कितना है पैरामीटर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व तो बच्चों इसका भी पैरामीटर कितना है ट्वेल्व है तो बच्चे जितनी भी यहाँ पर फाइव स्क्वायर की फिगर बनी हुई है उन सभी का जो पैरामीटर है वो ट्वेल्व सेंटीमीटर है जो तो क्वेश्चन है एरिया ऑफ ईच फिगर मेड विथ फाइव स्क्वायर बच्चों जितनी भी फिगर हैं जो की फाइव उनका हमें एरिया बताना है तो बच्चे जैसे कि यहाँ पर ये फिगर है इसमें कितने स्क्वायर हैं वन टू थ्री फोर फाइव तो इसका एरिया कितना है फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों हमने जितनी भी फिगर बनाई है वो फाइव स्क्वायर से बनाई है तो इसलिए जितनी भी फाइव स्क्वायर की फिगर हैं उन सभी का एरिया फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर होगा अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रीन पोर्सन इन द गिवन फिगर दी गई फिगर में बच्चों ग्रीन पोर्सन का एरिया बताना है तो बच्चों हम किसी भी फिगर का एरिया कैसे निकालते हैं स्क्वायर को काउंट करके तो इसमें स्क्वायर को काउंट करेंगे वन टू हाफ एंड हाफ वन थ्री हाफ एंड हाफ वन फोर तो कितना हो गया फोर तो इसका एरिया कितना है फोर सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों इसे हम दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हैं बच्चों देखिए अब हम इसे कंप्लीट कर लेंगे अब इसके स्क्वायर को काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर अब इसका आधा करेंगे तो कितना हुआ आधा टू अब ऐसे ही बच्चे इसे कंप्लीट कर लेंगे वन टू थ्री फोर तो इसका हाफ करेंगे तो कितना हुआ टू तो टू और टू कितने हुए फोर तो इसका एरिया कितना है फोर सेंटीमीटर स्क्वायर अब क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द ब्लू पोर्शन इन द गिवन फिगर अब बच्चों हमें ये जो ब्लू पोर्शन है इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हम ऐसे ही स्क्वायर्स को काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर हाफ एंड हाफ वन फाइव हाफ एंड हाफ वन सिक्स तो इसका एरिया कितना है सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर इसे भी बच्चों हम दूसरी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरीके से हम इन स्क्वायर्स को काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कितने हैं ये सिक्स सिक्स का जब हम हाफ करेंगे तो कितना होगा थ्री ऐसे ही बच्चे इसे करेंगे हम इसमें कितने स्क्वायर्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इसका हाफ करेंगे तो कितना हुआ इसमें रह गए थ्री स्क्वायर तो थ्री और थ्री कितने होते हैं सिक्स तो इसका एरिया है सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर अब है बच्चों क्वेश्चन विच पोर्शन हैज द लार्जर एरिया एंड बाय हाउ मच बच्चों कौन सा पोर्शन ज्यादा है इट मीन्स किसका एरिया ज्यादा है और कितना तो बच्चे इसका आंसर है ब्लू पोर्सन है टू सेंटीमीटर स्क्वायर लार्जर एरिया बच्चों जो ब्लू पोर्सन है उसका टू सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा एरिया है किससे ग्रीन से अभी बच्चों लाइफ स्किल बैंकिंग सिस्टम

पासपोर्ट फोटो के अलावा स्वयं के विवरण की आवश्यकता होती है नाउ अब फॉर योर डिटेल्स अपने विवरण के लिए निम्न तालिका को पूरा करें बच्चों पर्टिकुलर में यहाँ पर नाम है पिता का नाम है यहाँ पर सभी को डिटेल फिल करनी है तो नेम में आप अपना नाम लिखेंगे फादर्स और गार्जियन नेम में अपने पेरेंट्स का नाम लिखेंगे यहाँ पर बच्चों मदर्स नेम में अपनी मम्मी का इट इटमी माता का नाम लिखेंगे नेशनलिटी बच्चों आपकी नेशनलिटी क्या है आप इंडियन हैं या फिर फॉरेनर हैं कहीं बाहर के हैं तो बच्चों यदि आप इंडिया के हैं तो यहाँ पर इंडियन लिखेंगे रिलीजन में आपका कौन सा रिलीजन है कौन सा धर्म है आप हिंदू हैं मुस्लिम हैं या सिख हैं ईसाई जो भी आपका धर्म है अपना यहाँ पर रिलीजन का नाम लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ में बच्चों यहाँ पर आप अपनी बर्थडे की डेट लिखेंगे परमानेंट एड्रेस में बच्चों यहाँ पर आप अपने घर का एड्रेस लिखेंगे घर का पता फोन नंबर में बच्चों अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे आधार नंबर में आप अपने आधार कार्ड का नंबर लिखेंगे अब बच्चों नेक्स्ट है सिग्नेचर तो यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर करेंगे इट मीन साइन करेंगे अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर टू मैच कॉलम वन विद इट्स डेफिनेशन इन कॉलम टू बच्चों कॉलम ए को इसकी परिभाषा कॉलम टू से मैच करना है स्टेटमेंट स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है डॉक्यूमेंट कंटेनिंग अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें लेन देन के रिकॉर्ड होते हैं तो इसके साथ मैच करेंगे नेक्स्ट है बैलेंस 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 कहते हैं जो बचा हुआ balance होता है जिसका अर्थ होता है द डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट एंड डेबिट इन योर अकाउंट आपके खाते में क्रेडिट और डेबिट के बीच के अंतर को कहते हैं तो इसके साथ मैच करेंगे विड्रॉ विदड्रॉ का अर्थ होता है व्हेन समवन टेक्स मनी फ्रॉम हिज हर अकाउंट जब कोई अपने खाते से पैसे लेता है नेक्स्ट है बैंक चार्जेस इसका क्या मतलब होता है मनी पेड बाय द पीपल टू द बैंक फॉर यूजिंग इट्स सर्विस जो पैसा लोग बैंक की सेवाओं का उपयोग करने के लिए उसे भुगतान करते हैं नेक्स्ट है अमाउंट क्रेडिटेड जमा क्रेडिटेड तो इसका क्या अर्थ होता है अमाउंट दैट हैज बीन टू योर अकाउंट जो राशि आपके खाते में जमा कर दी गई है नेक्स्ट है अमाउंट डेबिटेड इट मीन विकलन डेबिटेड इसका अर्थ होता है अमाउंट विदड्रॉन फ्रॉम योर अकाउंट आपके खाते से निकाले गए पैसे अब है बच्चे संस्कारशाला कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क इवन इफ गिव्स और नॉट अच्छा काम करते रहो कोई सम्मान करे या ना करे बिकॉज क्योंकि द सन राइज इवन इफ मिलियन ऑफ पीपल आर स्टिल स्लीपिंग क्योंकि सूर्य तब भी निकलता है जब करोड़ों लोग सोते रहते हैं फूड कलर है ग्रीन ईट ग्रीन फूड्स फॉर एग्जाम्पल गुआवा कोकुम्बर स्पिनच बीन्स ओकरा एटसेट्रा हरे रंग का खाद्य पदार्थ खाएं, जैसे कि अमरूद ककड़ी पालक बीन्स भिंडी आदि टाइम विथ फैमिली गेम है स्नेक एंड लैडर अंताक्षरी प्ले विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स अपने परिवार वालों के और फ्रेंड्स के साथ खेलें एक्टिविटी में है जंपिंग रॉप रस्सी कूदना डेली रूटीन है इंक्लूड द फॉलोइंग हैबिट्स इन योर डेली रूटीन दी गई हैबिट्स को बच्चों आपको अपने डेली रूटीन में शामिल करना है बिगिन योर योर डे बाय ग्रीटिंग पेरेंट्स अपने पेरेंट्स को अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें ब्रश योर टीथ ट्वाइस टी डे दिन में दो बार अपने दांतों को ब्रश करें टेक अ बाथ डेली रोजाना नहाएं ड्रिंक प्लैटी ऑफ वाटर पर्याप्त मात्रा में पानी पिए एंड ईट अ बैलेंस डाइट और संतुलित आहार लें अवॉइड टचिंग योर फेस अपने फेस को टच करने से बचें एंड वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली और लगातार अपने हाथों को धोएं कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम अपना गृह कार्य समय से पूरा करें स्टूडेंट्स इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू